इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से पर्चा भरा, शक्ति प्रदर्शन के बाद नामांकन किया। नामांकन के बाद करीब दो घंटे तक एसडीओ दफ्तर में रहे शुभेंदु अधिकारी। नॉमिनेशन में कुछ तकनीकी दिक्कत की खबर, नॉमिनेशन पेपर में दिक्कत होने की खबर को शुभेंदु ने खारिज किया, कहा पेपर्स में कोई कमी नहीं थी। नामांकन से पहले नंदीग्राम के वोटर बने शुभेंदु अधिकारी, वोटर लिस्ट में दर्ज कराया अपना नाम। नामांकन से पहले शुभेंदु अधिकारी ने हल्दिया में रोड शो किया, स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को फिर बताया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, का बुआ भतीजे के अलावा किसी का सम्मान नहीं। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी में दीदी भतीजे के अलावा बाकी सब स्ट्रीट लाइट, इससे बंगाल को बाहर निकालने के लिए छोड़ी टीएमसी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा मेरा झंडा नया और मैदान पुराना है, बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बदलाव आएगा। स्मृति ईरानी ने ममता के खुद को बंगाल की बेटी वाले नारे पर निशाना साधा, पूछा किस लड़की को देना है वोट जिसने 80 साल की मां को मारा। स्मृति ने कहा दीदी के बंगाल में सिर्फ खेल ही किया, दीदी के खेल से बंगाल की मिट्टी खून से लाल हुई। नंदीग्राम में नामांकन से पहले शुभेंदु अधिकारी दो मंदिर भी गए, सिंहवाहिनी मंदिर में पूजा की, फिर जानकीनाथ मंदिर में यज्ञ में शामिल। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के शहीद वेदी से भी गए, नंदीग्राम फायरिंग में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। फायरिंग में मारे गए लोगों के परिजनों ने कहा शुभेंदु हमारे साथ, हम भी शुभेंदु के साथ और आगे भी रहेंगे। टीएमसी के 6 सदस्यों का डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला, काली पट्टी लगाकर ममता पर हमले की शिकायत की। चुनाव आयोग से मिलने के बाद बोले टीएमसी नेता ममता को लगी चोट, हादसा नहीं साजिश। टीएमसी नेताओं ने बीजेपी नेताओं के ट्वीट का भी जिक्र किया, ट्वीट में कहा था देखिए शाम 5 बजे के बाद क्या होगा। टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा, कहा ममता का हालचाल जानने के लिए ही नहीं किया फोन। 14 मार्च को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी तृणमूल कांग्रेस, ममता को चोट के कारण 11 मार्च को कार्यक्रम टला था। टीएमसी के बाद बीजेपी का 8 सदस्यों का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलेगा, टीम में पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, संबित पात्रा होंगे। ममता पर कथित हमले के बाद ईसी का एक्शन, चुनाव आयोग की 2 सदस्यों की टीम नंदीग्राम जाएगी, टीम में अजय नायक और विवेक दुबे शामिल। शनिवार को दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। चोट के बाद कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में भर्ती, ममता की हालत में हल्का सुधार, डॉक्टर्स के मुताबिक पैर में सूजन हो रही है कम। अस्पताल के डॉक्टर आज फिर करेंगे ममता का निरीक्षण, अस्पताल से डिस्चार्ज करने पर फैसला होगा। कोयला घोटाले को लेकर सीबीआई की जांच में तेजी, ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की असाली को सीबीआई ने समन भेजा, पति और ससुर से भी पूछताछ होगी। गृहमंत्री अमित शाह का मिशन बंगाल का प्लान तैयार, 14 से 31 मार्च तक हर दूसरे दिन चुनाव प्रचार करेंगे अमित शाह, 15 दिन में 8 दिन चुनाव प्रचार का कार्यक्रम। बंगाल में अमित शाह की हर बूथ को मजबूत करने की प्राथमिकता होगी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, दिनाजपुर और मालदा में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह असम के कोकराझार, ग्वालपाड़ा, बरपेटा और नगांव में करेंगे जनसभा, पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। शिवसेना ने ममता के बहाने बीजेपी पर अटैक किया, कहा ममता को चोट से बीजेपी को बुखार हुआ, सीबीआई जांच की मांग करने को मजबूर। शिवसेना ने कहा ममता के पैर की चोट चुनावी जंग में मोदी पर भारी पड़ सकती है। शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में हार की चिंता सता रही है। आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत, प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाई। साबरमती आश्रम से शुरू मार्च में 81 लोग शामिल, 386 किलोमीटर की पदयात्रा कर 5 अप्रैल को दांडी पहुंचेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव शुरू होने पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा आजाद भारत के ऐतिहासिक कालगान का गवाह बनना सौभाग्य। पीएम मोदी ने कहा आजादी के 75 साल का अवसर वर्तमान पीढ़ी के लिए अमृत की तरह देश के लिए कुछ करने को प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत महोत्सव को राष्ट्र के जागरण और स्वराज के सपनों को पूरा करने का महोत्सव बताया। अमृत महोत्सव मतलब ऊर्जा और आत्मनिर्भरता का अमृत। प्रधानमंत्री मोदी ने नमक को बताया श्रम, सम्मानता, वफादारी का प्रतीक, नमक को कीमत से नहीं आंका गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव में वैक्सीन का भी जिक्र किया, कहा भारत के पास वैक्सीन का समर्थ है, दुनिया को महामारी से बचाने के काम आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा वैक्सीन के कारण आज दुनिया के देश भारत को धन्यवाद कह रहे हैं, ये भारत के सूर्योदय की पहली छटा। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचे, महात्मा गांधी को नमन किया, अमृत महोत्सव पर वीडियो भी जारी किया, आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक की घटनाओं को दर्शाया गया। अहमदाबाद के अभय घाट पर आजादी की लड़ाई की लगाई गई है प्रदर्शनी, पीएम मोदी तस्वीरों, मैगजीन, एग्जीबिशन में शामिल चीजों को देखने पहुंचे। अमृत महोत्सव के आगाज में अनुपम खेर भी शामिल हुए, कहा स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान जताने का दिन। लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ, सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम योगी का ऐलान, यूपी में अगले 1 साल तक शहीद स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन, आजादी के आंदोलन के महत्वपूर्ण तारीखों पर शहीदों का सम्मान। राजस्थान के सीएम गहलोत ने जयपुर में पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, गहलोत ने खुद भी मार्च किया। अमृत उत्सव पर भी गहलोत ने सियासत की, कहा अपने विदेश दौरे में पीएम मोदी ने देश को यहां तक पहुंचाने वालों को नहीं लिया नाम,
मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगाज किया। भोपाल के शौर्य स्मारक में शौर्य स्तंभ पर शहीदों को पुष्पांजलि की अर्पण। अमृतसर साइकिल रैली के साथ आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने जलियांवाला बाग से हरी झंडी दिखाई। डीएमके ने 173 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कोलाथुर सीट से चुनाव लड़ेंगे डीएमके चीफ स्टालिन। 15 मार्च को नामांकन करेंगे। स्टालिन के बेटे उदयानिधि की चुनावी राजनीति में एंट्री हुई। चिपॉक सीट से मैदान में उतरेंगे। स्टालिन के बेटे को टिकट मिलने के बाद डीएमके मुख्यालय पर जश्न। समर्थकों ने आतिशबाजी की। कमल हासन ने भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया। कोयम्बटूर साउथ सीट से किस्मत आजमाएंगे। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम पनीरसेल्वम ने नामांकन किया। पर्चा दाखिल करने से पहले समर्थकों के साथ रोड शो। तमिलनाडु में आज से नामांकन शुरू। नामांकन की आखिरी तारीख 19 मार्च 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत। कैबिनेट का आज शाम 5 बजे विस्तार होगा। 11 मंत्री शपथ लेंगे। मदन कौशिक के हाथ उत्तराखंड बीजेपी की कमान। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मदन कौशिक के नाम पर मुहर लगाई। बशीधर भगत की जगह ली। कोरोना संकट को देखते हुए पुणे में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान। 21 मार्च तक स्कूल्स भी बंद रहेंगे। पुणे में रात 10 बजे तक ही खुलेंगे मॉल, सिनेमा और होटल्स। डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ बैठक के बाद ऐलान। महाराष्ट्र के परभणी जिले में सख्ती। आज रात 12 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान। लोगों की नाराजगी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा टालने का फैसला बदला। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा 22 मार्च तक एग्जाम होंगे। आज से लुधियाना, जालंधर, कपूरथला और पटियाला में नाइट कर्फ्यू। नवांशहर, होशियारपुर, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब में भी रात्रि कर्फ्यू लगाया गया। पंजाब में कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ी। एक दिन में 1309 नए पॉजिटिव केसेस, 18 संक्रमितों ने दम तोड़ा। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल कोरोना संक्रमित हुए। बादल ने खुद कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। 2021 में देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आए 23,285 नए केसेस। 117 लोगों ने जान गंवाई। देश में पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा लोगों ने महामारी को मात दी। अभी 1,97,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। एमपी के भिंड में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी। शिव बारात के दौरान बिना मास्क के दिखे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक और इजरायली दूतावास के बाहर हुए ब्लास्ट के तार तिहाड़ जेल तक पहुंचे। तिहाड़ जेल में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी के बैरक में स्पेशल सेल की रेड। आईएम के आतंकी तहसीन अख्तर के बैरक से मोबाइल फोन सीज किया गया। इसी मोबाइल से टेलीग्राम चैनल एक्टिव किया गया था और 4 से 5 आतंकी कर रहे थे मोबाइल का इस्तेमाल। तहसीन को कस्टडी में लेकर मोबाइल फोन और प्लानिंग के बारे में पूछताछ करेगी स्पेशल सेल। इस मोबाइल नंबर के अलावा एक और नंबर स्पेशल सेल की रडार पर। तिहाड़ में मोबाइल मिलने पर बोले सत्येंद्र जैन। कहा जांच के दिए गए आदेश। किसी के भी दोषी पाए जाने पर कार्रवाई के आदेश। थाने में एनआईए की टीम ने मनसुख हिरेन के परिवार से पूछताछ की। दूसरी टीम ने मुंब्रा रेती बंदर घटनास्थल का मुआयना किया। क्वाड देशों की पहली वर्चुअल मीटिंग आज। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पहली बार होंगे आमने सामने। समंदर में चीन को घेरने की रणनीति बनेगी। क्वाड समिट में कोरोना वैक्सीन पर भी बड़ा ऐलान होगा। विकासशील देशों के लिए भारत में बनेगी अमेरिका की वैक्सीन। बैठक से पहले ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन का बयान। बैठक से भारतीय प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता आएगी। ओमान की खाड़ी में तैनात आईएनएस तलवार ने एक मर्चेंट वेसल की मदद की। मर्चेंट वेसल में फंसे थे 7 भारतीय क्रू। शिवसेना ने सामना में बीजेपी विधायक के हवाले से दावा किया। महाराष्ट्र बीजेपी में फूट की आशंका जताई। का फडणवीस ने अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से पार्टी खराब की है। रामपुर में साइकिल रैली का अखिलेश यादव ने आगाज किया। आजम की पत्नी और बहू मंच पर मौजूद रहे। कहा जब जब साइकिल चली है तब तब बदलाव आया है। अखिलेश ने कहा झूठे मुकदमे में आजम को फंसाया गया। आजम ने अगली पीढ़ी के लिए काम किया है। हरियाणा के सीएम खट्टर ने पेश किया बजट। ओल्ड एज पेंशन 1 अप्रैल से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का ऐलान किया। खट्टर ने हरियाणा के गौ संवर्धन योजना शुरू करने का भी ऐलान किया। 2021-22 के लिए 50 करोड़ रुपए बजट आवंटित। कानपुर पुलिस का सराहनीय कदम। खुदकुशी करने जा रहे एक शख्स की जान बचाई। काउंसिल कर घर पर छोड़ा। घरेलू विवाद में गंगा बैराज से खुदकुशी करने जा रहा था शख्स। डीआईजी ने पुलिस पेट्रोलिंग टीम को 25,000 के इनाम की घोषणा की। कानपुर में डंपर और टेम्पो की टक्कर हुई। 3 लोगों की मौत, 7 जख्मी। फिरोजाबाद में बाइक सवार ने बुजुर्ग की जमकर पिटाई की। बाइक से साइकिल की टक्कर के बाद हुआ विवाद। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में मेडिकल उपकरण बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग। हादसे में 14 मजदूर झुलसे। केरल में कोरोना की वजह से एसएसएलसी की परीक्षा रद्द किए जाने पर सड़क पर उतरे छात्र। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जल्द परीक्षा करवाने की मांग। दिल्ली के बाबरपुर में खुलेआम फायरिंग के मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी। रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी के घर के बाहर फायरिंग। कश्मीर की कुपवाड़ा में प्रेग्नेंट महिला के लिए फरिश्ते बने जवान। बर्फीले रास्ते से स्ट्रेचर पर महिला को अस्पताल पहुंचाया। सैनिकों का वीडियो वायरल।
अगरतला में 50 लाख ड्रग्स बरामद हुए। तस्कर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। राजस्थान के डूंगरपुर में महाशिवरात्रि का प्रसाद खाने से 60 से 70 लोग बीमार हुए। सीएमएचओ ने फूड पॉइजनिंग का मामला बताया। अमेरिका में 1 मई तक सभी एलिजिबल वयस्कों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ऐलान किया कोरोना को महामारी घोषित करने की पहली बरसी पर बाइडेन का संबोधन का 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस पर हालात सामान्य बनाने का लक्ष्य। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से T20 सीरीज का मुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे पहला मैच। रोहित शर्मा और केएल राहुल होंगे टीम इंडिया के ओपनर्स। कैप्टन विराट ने किया ऐलान T20 सीरीज में खुलकर खेलने पर होगा टीम इंडिया का जोर। विराट ने कहा नए खिलाड़ी बन सकते हैं एक्स फैक्टर। भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ का बड़ा खुलासा। ऑस्ट्रेलिया में फ्लॉप होने के बाद कमरे में फूट फूट कर रोने की बात कही। मिताली राज ने इतिहास रचा। 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज बने। तीसरे वनडे में भारत की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 249 रन का टारगेट। पूनम राउत ने लगाया लगातार दूसरा अर्धशतक। T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड टीम के कैप्टन इयान मॉर्गन का बयान का IPL खेलने से इंग्लैंड के क्रिकेटर्स को काफी फायदा मिला। धोनी IPL की तैयारियों में जुटे। चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस की तस्वीरें आई सामने। फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी को कोरोना हुआ। फिल्म डिस्पैच के डायरेक्टर कानू बहल के पॉजिटिव होने के बाद चपेट में आए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।